हेलो क्लास टेन के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस प्यारे बात लेकर आ गया हूँ क्लास टेन का ऑब्जेक्टिव सीरीज, और आज इसका डे वन है। आज हम लोग करेंगे वास्तविक संख्याएं का ऑब्जेक्टिव, और ये गारंटी देते हैं, ठीक है, ये दावा करते हैं कि इस चैप्टर से बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन देगा इससे बाहर का नहीं होगा। या दो ही क्वेश्चन पूछे या पांच क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जितना हमने लिखा है उसी में से आएगा, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप बनाइए कितना क्वेश्चन बनाते हैं, और कमेंट में जो बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में कितना आप लोगों का खुद से सही हुआ। क्वेश्चन आने के बाद पॉज करके खुद से टिक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आने के बाद पॉज करके खुद से टिक करना है और बताना है कमेंट में कि कितना मार्क्स आया। शुरू किया जाओ, चलिए आप लोग बताइएगा, शुरू किया जाए। चल करो, सबसे पूछेंगे जिसका जिसका दिन आज ठीक है उसे ही बताना। चलिए, 192 के भाग्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? 192 क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। और उसके बाद देखना है कि 2 कितना बार आया। देखिए 192 को गुणनखंड कीजिए, 2 से कितना होगा भाई साहब? 96 होगा। 2 से 2 कितना बार आए हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 के पावर 6 और 3 के पावर 1। तो पूछा कहा है भाई साहब? 2 का घातांक, 2 का घात कितना? 6। तो ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए बैठ जाइए। क्वेश्चन बताएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? 1 मिनट, अरविंद अकेला जी खड़ा हो जाइए, हिलना नहीं चाहिए। 31 तू ही लोन करा। 31 अभाज्य संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत? अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका सुनिए, जो स्वयं से और सिर्फ एक से विभाजित हो, दूसरा किसी अंश से विभाजित नहीं होना चाहिए, और जिसके दो गुणनखंड हो। बोल सकते हैं गुणनखंड दो, मतलब वो एक है, वो खुद दुनिया गुणनखंड है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक और बात, एक क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, बोले क्या हो अभाज्य? हमने क्या बोला है वीडियो में कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर का नहीं होगा। तो भाई कहीं पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तब का तो 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा? 2। तो 2, कोई दिक्कत? 2 का मौसम 2 होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब आइए, 2 संख्याओं का मौसम कितना है भाई साहब? अरे मौसम है मौसम, 2 संख्या का मौसम 27 एवं 962 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या हो गया? सुनिए फॉर्मूला जानते हैं, मौसम गुणे लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या बराबर क्या होगा? मौसम गुणे लौसा बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर मौसम गुणे लौसा बटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना देने आइए, कहा निकाले के बाद भाई साहब? तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे बटा में पहली संख्या, और इसी जगह रहता नहीं पहली संख्या बराबर, तो लिखते मौसा गुणे लौसा बटा दूसरी संख्या। तो मौसा कितना है भाई साहब? 27, लौसा और बटा में का हो जाए हो पहली संख्या है 54, 27 × 54 और 281, कितना आंसर आ जाए हो? ऑप्शन सी। अरे सी, कोई दिक्कत? पढ़ाई आगे समझ आया? अरे फॉर्मूला होता है ना भाई साहब, मौसम गुना में लॉस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये ना होता है? या लॉसम अगर मौसम तो मौसम निकाले का है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लॉसम ले जाना, लॉसम निकालने का है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लॉसम ले जाना,
कोई दिक्कत है क्या? बढ़ाया जाए इतना समय लगेगा तो मतलब 156 का भाई भाई वही चीज की कर लेगा। अब अभी नहीं कहते हैं, देखिए वीडियो में चैलेंज किया, इसका मतलब नहीं है कि सर अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 140 के अभाज्य वर्गखंड में 2000 कहेगा सर नहीं आया। अरे इस टाइप का आया ना भाई, हाँ समझे, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया ना भाई, 78, 2 से 39, 30 सही है ना, 7 × 14, 8 × 18, 13 2 × 2 × 3 × तो 2 का घात 2 और 3 का घात 13 पूछ ले बा, तो 2 का घात कितना है वो 2। अरे अगर पूछता 3 का घात तो अब इसमें 3 का घात 1 ही हो जाता, ठीक है। पूछता 13 का घात 13 घात 1 है, बात समझ में? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। अच्छा कितना दिन में बुझेगा? चलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या। अच्छा ऑप्शन लेकर सुधार देते हैं, ऑप्शन हमको लग रहा है गड़बड़ लिखा गया है। जी सर, सब अपरिमेय ही है, रूप भाई हर भाई वो मेरा है। आइए 3/√3, ठीक है ये वाला, ये अब चलिए। चलो भाई साहब अब ये तो है नहीं क्योंकि ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है। यह परिमेय संख्या यह अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय संख्या होता है। और ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भाग होता है ना वो भी क्या होता है आपका अपरिमेय। अब कोई सर ये हो अपरिमेय हो अपरिमेय, तो सुनिए तनी सबर रखिए, इधर देखिए √3। अब सुनिए √12 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 3 तो जो जोड़ा लगता है उसको बाहर, जो जोड़ा लगा उसको, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं, नीचे भी √3। अरे भाई गया काया, तो एक पर मतलब है 2 मतलब ये क्या हो गया परिमेय संख्या, कोई दिक्कत बढ़िया। यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 और तो यूक्लिड वैल्यू है ना एल्गोरिथम, और 15 बराबर इतना है तो मसा 130 और 15, अरे 130 बराबर 15 तो 15 × 8 = 120 प्लस में कितना 10, ये 15 यहाँ आ जाएगा और ये 8 10 10 से कम शेष, अब ये 10 यहाँ ले 10 = 5 क्योंकि ये भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग पर प्लस शेष पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अगला स्टेप में बी बन जाता है ए, आर बन जाता है बी, ठीक है। तो 5 × 2 = 5 बढ़ा जाए क्या? अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए क्या निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अरे सुनो शांत के सांद्रिक, शांत के लिए पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, अगर पी बटा 2 के पावर m × 5 के पावर m ना, अगर ये इस रूप में रहता है इस रूप में तो शांत हो, ऊपर कुछ भी रहे ऊपर नीचे देखने का, नीचे देखना है कि 2 का और 5 का गुणनफल आता है कि नहीं, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। केवल अगर 2 भी आता है नीचे तो भी शांत, केवल 5 आ जाए तो भी शांत, 2 और 5 दोनों आ जाए नीचे तो भी शांत। कहेगा सर अशांत कैसे होगा? अशांत अगर 3 आ जाए 7 आ जाए 13 आ जाए नीचे में, तो नीचे 15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 पढ़ लिए फेल हो गया, नीचे 3 आ गया ये नहीं होगा। 160 को तोड़िए तो 160 को 2 से 80 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्का हो जाएगा। ये केवल आपका 2 से 10 2 से 2 का 1 2 3 4 5 2 5 बार 5 1 बार मतलब 2 के पावर m × 5 के पावर सिर्फ इसी रूप में है कि नहीं, नीचे वाला ऊपर वाला छोड़ दीजिए,
आई 60 को ये चेक कर लेते, ये तो हो रहा है सही है हमारा, इसको चेक कर लेते। 60 को 2 गुना 2 दुना 4 तिहाई 12 5 60 अरे तीन आके लटपट कर दिया इसको, 35 में 5 गुना 7 7 आके लटपट कर दिया इसको। बात समझ रहे दादा? अरे p बटा नीचे में 2 के पावर m 5 के पावर n, ऊपर से पहले कटम कुटम कर लीजिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन साथ साथ के। कटम कुटम करने के बाद आपको ये बताना है क्या कि जो गुणन खंडन कीजिएगा नीचे वाला को, हर को जो गुणन कीजिएगा, गुणन खंडन कीजिएगा तो सिर्फ 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, दूसरा रूप में गलत नहीं आसान रही कहीं की। हाँ निम्नलिखित में किसका सबसे बड़ा आसान है? आसान, चलो देख लेते हैं कौन आसान होगा। ये 400 है तो 400 को आप लोग तोड़ते हैं तो दूसरे एक दूसरे दूसरे 5 से, अरे नीचे वाला में सिर्फ कितना आया है, तू ये 5 में दिख रहा है, मतलब ये शान है, मतलब ये शान, हमको आसान खोदना ही नहीं होगा। 80 को तो 75 रुपए किए, अभी 80 को तो रहे ना भाई, ये शांत होगा, ये क्या होगा? ओ 121 में 11 गुने 11 तो हर इसी यही रेट होगा आसान। 25 में 125 5 गुने 5 केवल नीचे पे 5 आ रहा हो, बोले ना नीचे में केवल 2 हो तो भी शांत, केवल 5 हो तो भी शांत, 5 और 2 हो तो भी शांत। हाँ आसान कब? जब उसके अलावा कोई दूसरा 3 आ जाए 7 आ जाए 11 13। अरे विशाल कुमार बहुत निंदा रहा है, ब्रह्मांड द्वारा समझो एक जब इसको क्वेश्चन है, टेंशन ना लेने का। एक 18 तथा 72 का मसा, रे भाई मसा कैसे निकालेंगे? मसा निकालना था भाजन खंड से, एल्गोरिथम से निकाल सकते हो। अरे मसा अधूगा विधि, 18 से पहले क्या करते हैं? 72 में भाग देते हैं, या ऐसे ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अरे सुन ना, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, एक मान जो बड़ा, हाँ जहां जहां ए बड़ा होता है किससे? बी से, तो 72 बड़ा है किससे? 18 से, मतलब ए बराबर 72 बी बराबर, ए बराबर 72 बराबर बी के मान कितना है? 18 18 14 72, यही है 0 आ गया, मतलब 18। अब सुन एक और विधि है, गुणन खंडन कीजिए 18 को तोड़िए, 2 से 9 3 से 3 और 72 को तोड़िए, 2 से 36 2 से 18 2 से 9 3 से 18 बराबर क्या? 2 3 3 2 गुना 2 गुना 3 72 को तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 जोर लगाइए, एगो 2 लग गया, एगो 2 लग गया और एगो 3 लग गया, तो जो जो लगा उसी को लिखना, एक बार 2 लगा है, एक बार और 2 आए, एक बार 3, तो 2 2 4 तिहाई 12, ये क्या हो गया आपका? मौसा नहीं मौसा, 3 है वाला, अरे 2 नहीं लगेगा 18 में, अरे एक बार में 3 ना है, 2 बार में 3 है, 3 तिहाई 9 दुना 18 और यहाँ 12 आ रहा था, है सिस्टम रुक 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 सिस्टम अपडेट नंबर आएगा, 2 गुना 3 गुना 3 और 2 3 बार है, 3 तो ये ना है ये लगा ना, 2 बार 3 लगा, 3 दिया 9 दुना 18 तुम लोग ध्यान कहाँ रखते हैं, आगे बैठता है मतलब फट लोलवा सकते हैं, चले जरा ध्यान दो। पाई एक संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या, पाई का मान 22 और 7 क्या है भाई साहब? परिमेय संख्या, पाई गुने 2 क्या है? अपरिमेय संख्या, पाई प्लस 2 क्या है? अपरिमेय संख्या, पाई बटा में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या, पते पढ़ेगा रे, अरे इसीलिए ना लेते चीज की तो है का है, वीडियो में चैलेंज किए हुए क्या कि बिहार बोर्ड अगर इससे पूछता है तो इससे
बाहर का नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब इधर नहीं कि बिहार बोर्ड का मेरा पहुंच बिहार बोर्ड में, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सारा तरीका क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, प्रत्येक पद में संख्या होती है, प्रत्येक पद में संख्या मतलब बटा में त्रिबटा द्वितीय रूप में, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती क्योंकि तो एक दो तीन, पूर्ण संख्या भी जीरो से शुरू होता है, ये भी नहीं हो सकता। दशमलव पूर्णांक, पूर्णांक भी दशमलव में नहीं होता, पूर्णांक भी माइनस प्लस में हो सकता है लेकिन दशमलव में नहीं, बटा में नहीं। वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या सब होता है, वास्तविक संख्या तो आपका रूट रूट सब में होता है, दशमलव रेकरिंग फेकरिंग सब। आइए, 45 तथा 7 का मस कौन निकालेगा है, आइए तो सुनिए। 45 और 7 दोनों में करते हैं, यूक्लिड से भी और एल्गोरिथम से भी, सुनिए तो आए सुनिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां क्या ए बड़ा होता है बी से, तो हमें कौन 7 बड़ा है 45 से, तो ए बराबर कितना हो गया 7 और बी बराबर 45। आइए 7 बराबर बी के जगह पे 45 आ गया, 45 से कम 45 से 15 से, अगले बार से ही सब क्वेश्चन गलती हुआ तो फिर 15 बहुत मार मारेंगे, समझ गया। हाँ, अब लाइए बी को, लाइए ए बनाइए और आर को, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर को बनाइए बी, 15 तिहाई शेष 0 मौसा हो गया 15। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, तुम बताओ तो की दो कैसे होगा, तो बताओ बताओ, ये दो हो गया, दो कैसे दो तुम बताइए कैसे दो, खड़ा दो लगातार संख्या, अच्छा दो दो और तीन का मौसा दो होते, नहीं कितना होते दो दो और तीन का मौसा दो छह ना, आए दो और तीन का मौसा छह होते, एक होगा तो दो और तीन कोई कॉमन लेना है ना भाई, जब नहीं कॉमन नहीं गुणनखंड होगा तो गुणन कर देते हैं, ये होता है लसम में, मौसम में अगर नहीं लगता है तो उसको एक करते हैं, एक मानते हैं, एक से सब कुछ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बस पहले क्वेश्चन समझ लेना, चुड़किन का नाम लिख करे वीडियो के बाद बताना, बैठ दो लगातार लगातार सम से जाना चाहिए, या तो दो चार होना चाहिए, या चार छो छो आठ, या बीस बाईस, या चौबीस छब्बीस, या 500 और 502 लगातार में होना चाहिए आगे, तो इस दूरी से लगेगा, दूसरा लगेगा ही कॉमन, इसमें दूरी आएगा, गुणन खंडन करके देख लीजिए, ठीक है। लगातार सम संख्या का, अब उसको तोड़ के देखिए, चार और छह को देखिए, चार दुना चार एकदम चार, अरे दो ये चार यहाँ लगी, दो दुना बात खत्म, क्या आया छ आठ लगाएंगे, छम दो छ यहाँ लाइए, ये दू कोई दिक्कत नहीं ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में निकाल सकते हैं, अरे बहुत क्वेश्चन है, बहुत समय हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, अबे दो संख्याओं का गुणनफल है 8670 और एससीएफ यानी कि मौसा दिया कितना 17 तो उनका लसा क्या होगा रे, लसा अरे एक मिनट आए खड़ा हुआ मन, लॉसा का फॉर्मूला बता, इस क्वेश्चन में बनाने के लॉसा का फॉर्मूला, अभी पीछे जस्ट बताया ना, आप पढ़ाए भी होते इसी चीज को, आपको पापा को फोन करते हैं, ठीक है, आई वीडियो क्लिप काट के भेज देंगे कि हमारे सवाल पूछे नहीं जवाब दिए, बच्ची बताइए लॉसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बचे मौसम, वाह लॉसा बराबर दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अरे उर्दू लिख रहे हैं क्या, गुणनफल फटा में, इसी प्रकार अगर मौसा यहाँ आ जाएगा तो लौसा जमा हो जाएगा, अब याद रहेगा, आए शादी ब्याह हो जाएगा तो ये नहीं भूलना क्योंकि बाल बच्चों को पढ़ाना होगा फिर, अरे बैठो
दोनों संख्याओं का रचना भाई साहब 8670 आप मौसा कितना भाई साहब 17 15 1 17 1 17 0 510 कौन है रे कोई दिक्कत अब पीछे से लेते हैं दो की दो परिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल है अच्छा एक मिनट अन्यासी कर बोलो ये दोनों संख्या गुणा करना है 3 + √5 को गुणा करना है 3 - बताना है गुणा करने के बाद कौन संख्या आएगा परिमेय की अपरिमेय इसकी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं a + b (a - b)² - 3 का स्क्वायर अब -5 √5 2 एकड़ सोल्व करने पर 4 आ रहा है 4 क्या है परिमेय की अपरिमेय तो परिमेय है तो सोल्व नहीं कर सकते कट बैठो पढ़ाई भाई अरे 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 a² - b² होता ना भाई जी सर चलिए नहीं शॉर्ट में चलना पड़ेगा अब देखिए 8 × 2 = 0 तो बताया क्या एक होता है किसी का भी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है 8 का घात 0 उसका मान 1 2 का घात 0 = तो भाई 1 × 1 है ना इसका प्रूफ है आगे पढ़िएगा 11th 12th में है ठीक है 11th में ये भी पढ़िएगा कि 2 + 2 = 5 मतलब वहां पे पढ़ाया जाता है ठीक है ये चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर जटिल संख्या ठीक है उसमें मतलब जो आई बराबर रूट में हम लोग पढ़े द्विघात समीकरण में कि रूट में अगर जैसी माइनस आए रूट में माइनस में कोई संख्या है ये वास्तविक नहीं है वास्तविक नहीं है तो इसी को प्रूफ करने के लिए एक और संख्या बनाया गया ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक समझे तो उसी चीज के बारे में तो वहां पर सब चीज प्रूफ करेंगे 8 × 0 × 2 = 0 अगर इसका इसका हम बताएंगे 11th कोई सब कुछ मतलब 8 किसी के पावर घात अगर जैसे मान लीजिए कि 2 का घात किसे घात इन्फिनिटी होता है तो कैसे 1/0 / 1/∞ ये सब चीज है ना आप क्लास 11th पढ़िएगा किसमें ये रिलेशन एंड फंक्शन में सब आता है ठीक है वो सब वहां पढ़ने को मिलेगा ये सब भी हाँ भाई तो 1 × 1 क्या हो जाएगा एक आइए दो लगातार संख्याओं का मौसम दो लगातार संख्या लगातार दो को कोई भी लगातार एक दो आया तो भी एकड़ होगा मौसम एक दो तीन आया तो भी मौसम एक 50 / 51 आया तो भी मौसम एक ठीक है क्योंकि ये एक ही से विभाजित होगा क्योंकि ये दो से हो रहा है ये दो से नहीं होगा ये दो से हो रहा है ये दो से ठीक है तो ये सॉरी 300 रहते हो 300 होना चाहिए तब ना 3 होगा मौसम है ये तो 1700 हो रहा है 1700 हो रहा है ये तो 200 हो रहा है 500 रहा है 10 5 हो रहा है ना हो रहा है जी लगातार दो लगातार संख्या का मौसम कोई दिक्कत नहीं ना इस बात को ध्यान में रखना ठीक है एक बार घर जाने के बाद वीडियो भी देखना और उसको समझ समझ के ओ तो इस प्रकार डॉट 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 तुमको दिखे तो तुमको कहना है अपरिमेय क्या है आप सुनिए यूक्लिड एल्गोरिथम एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक मौसम को किसको मौसम को यूक्लिड से मौसम को परिकलित करते हैं हम लोग a = b+r को एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है और कहेगा सुन अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ तो भी अपरिमेय अपरिमेय सुनिए बात को परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होगा अब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय अपरिमेय और अपरिमेय रूट में 3 × √3 ये 3 ना हो जाएगा अरे रूट में 9 हो तो 9 का √3 तो अपरिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का गुणनफल का होई हो परिमेय हो बड़ी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का अरे अभाज्य संख्या वही होता है जो खुद से लगे
और किससे? एक से लगे, या तो खुद से या तो एक से। तो दू गो होता है पचास गो, वो तो खुद से लगेगा ना, तो एक से लगेगा। तो सब सब किस असुर है? अब है संख्या दू तीन पांच सात ग्यारह तेरह रूट सात में रूट रूट करेंगे तो क्या रूट सात गुने रूट दू ऐसा क्वेश्चन आया तो देखते देखिए, लेकिन अगर सेम रहेगा तब कर सकते। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी कभी परिमेय हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है। ये चीज दिमाग में रखिए, चलिए बढ़ाइए। हाँ तो इस पर इसका क्या कर दू गो तीन गो कई संख्या हो, दो तीन पांच से अभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, इसका मौसम क्या होगा? एक। जब किसी का कॉमन नहीं होता है गुणनखंडन करने पर तो उसका मौसम एक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक। निकाल कर देख लीजिए भाई, दो और तीन को गुणनखंडन करके देख लीजिए, आय का दो से का एक आता, क्या दो से एक, तीन का तीन से एक, दोनों में एक क्या कॉमन आ रहा है? ठीक चलिए आइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है भाई? अनंत। तो क्या अगर एक और दो के बीच में देखेंगे एक दशमलव एक, एक दशमलव दो, एक दशमलव तीन, आहू के बाद देखेंगे एक दशमलव जीरो एक, एक दशमलव जीरो दो, और का जीरो एक दशमलव जीरो जीरो एक, बहुत संख्या है। हाँ अब आइए, अब हमारा फ्रेम फर्मा चला है, बाईस वाला साथ क्या है? परिमेय संख्या। आइए महत्तम समापवर्तक P और Q गुने लघुत्तम समापवर्तक, सुनिए P और Q का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताइए। मतलब P और Q संख्या है, एगो P है एगो Q है, इसका पहले महत्तम निकालिए फिर इसका लघुत्तम निकालिए और क्या कीजिए उसको दोनों को गुणा कर दीजिए, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? नहीं कुछ कॉमन है तो एक, लौसा क्या हो जाएगा? तो लौसा में जब नहीं जुड़ा हुआ लगता है तो गुना कर देते हैं, तो पी गुना तो दोनों को अब क्या है मौसा गुने, मौसा गुने तो पी गुना क्यू आर इनटू में वन, तो पी गुना कौन होगा? बढ़ा जाएगा। आइए पाई बटा तीन है अपरिमेय संख्या, ठीक है। हाँ ये देखिए इसका मान 0.3 पर क्या है? रेकरिंग। क्या है? अब देखिए ये दो नंबरिया में बहुत बार पूछता है, बहुत बार, तो हम बना के तनी समझा देते हैं और सिखा देते हैं, तो तनी सुन लीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे माना कि x बराबर 0.3333 लगातार तीन 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 आते रहेगा, लेकिन ये छूटेगा नहीं, लगातार आते रहेगा, ठीक है। अंतिम में रख कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दीजिएगा तीन 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 बहुत बार है। चलिए अब सुनिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अब देखिए रोकनी क्या पड़ा है, एक के ऊपर ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 31 पर रेकनिंग होता तब तो 100 से गुना करते, लेकिन तीन पर एक अंक पर रेकनिंग होते 10 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ऑप्शन में जो सब 10 है तो 10 आ जाएगा। पहले सुन ना रे, पहले सुनने का ताई 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाए 10x बराबर ये कितना हो जाए, ये दशमलव उठ के यहाँ भाग आए तो क्या हो जाए 3.333333। इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण दो, समीकरण दो में से एक को घटाइए, समीकरण दो में से एक को घटाने पर अब 10x में से x को घटा दीजिए 9x, अभी 3.333333 में से 0.333333 का बची x बराबर 3/9, x बराबर 1/3, कौन है ऑप्शन? बी4 बॉल है ना। आइए एक और सवाल ला दिए आप लोग कहिएगा कि देखिए, हाँ तो अब सुनिए इस सवाल पर वो होमवर्क देते हैं आप लोगों को, होमवर्क आप लोगों को भी देते हैं, गाइड उड़िया किताब उताब ले लीजिएगा और रेकरिंग वाला सवाल जते होगा सब बना लीजिएगा। हाँ तो 0 पहले मानना है रे भाई, माना कि जीरो
एक्स बराबर 0.494 जिस पर रेकरिंग होगा वही होगा रिपीट 4949 4949 4949। नंबर अगर किसी का मोबाइल नंबर 4949 है तो अब दो आए सुन रहे दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे क्योंकि दू को अंश पर क्या है रेकरिंग है हाँ तो 100 से अगर तीन को पर हो तो 1000 से गुणा करेंगे 100 से क्या करने पर भाई साहब गुना करने पर तो इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा आई दुओ को तरफ के हिया चलाएगा जी हो तो ये हो जाएगा 49.49 पॉइंट के बाद अंक है अब यो कते जाएगा पता नहीं तो तनि सुन लीजिए अब समीकरण कहां से कहा है समीकरण दो में से एक अच्छा सुनिए ऐसा कर सकते हैं बात को समझिए इसको अगर हम दो तरीका से बना सकते हैं और जगह इसे बताया जाता पहले तो सुनिए जा रहे दोनों तरफ हाँ सुनना भाई 100x-1x बराबर 49.49 गया का बची है हो 49x=49 तो 49 अब सुनिए सुनिए हम तनका तनका चेंज करते हैं तरीका बदलते हैं तनका वीडियो में तनका जहां जगह वो तरीका सुनिए इसको लिख सकते हैं सुनिए तो 100x बराबर इसको 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 49.49 लिख सकते हैं क्या है अरे एक बार जोड़े में तो फिर नाइन हो जाएगा आका इसको हम एक्स ना लिख सकते हैं हो हाँ एक्स बराबर तो 49+x=100x प्लस जगह के 100x-x=49 तो 99x=49 तो बात तो समझ में आएगा यही कर सकते थे यही हो हम इसको 3+0.333 लिख सकते आय कर देगा पे एक्स दे देते हैं प्लस इधर माइनस एक्स हुआ था कि बात समझे नहीं समझे तो ये हो गया आसान 27 हो गया 3 बचा हुआ पी बटा 2^(n)/5 के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है कौन होगा सही बताइए 0.67 में से इसको बढ़ाएंगे तो एक आएगा दशमलव बढ़ाने को एक आता है बाकी बात दशमलव जो संख्या वो जो सुनना है तो ऊपर तो पी बटा सुनिए पी का जगह पर सौ सौ रह जाएगा आ 100 का गुणन खंडन करके दूसरे और जब दो बार है पांच भी दो बार दो बार बी है बढ़ा जाए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है अपरिमेय कौन नहीं है मतलब परिमेय परिमेय कौन है परिमेय तो रूट साफ तो नहीं होगा ई भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा एहो नहीं होगा नहीं होगा होगा रूट 75 को पोस्टमार्टम कीजिए क्या कीजिए चलिए हथियार लीजिए रूट 75 को पहले तोड़िए 75 को क्या कहा जाता है 3×3 = 15 5×5 = 75 सुनिए तो इसको रूट 75 को हम क्या जो जोड़ा लग जाए उसको बाहर जो जोड़ा लग जाए उसको रूम में अंदर बंद कीजिए 48 को तोड़िए 2×2×2× अरे 2×4×8 8×16 = 48 जो जोड़ा लग जाए उसको अरे बाहर जोड़ा वाला को बाहर 2×2 जोड़ा लगा जो जोड़ा लगा उसको अंदर जोड़ा लगा 4√ तो भाई साहब 75 हुआ है 5√3 48 हुआ है 4√3 और √3 बोल रहा है कि हम जाएंगे ये हो गया क्या 5/4 क्या हो गया परिमेय आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यदि ए बराबर इतना 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 और बी बराबर इतना 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 तो लॉसा बताइए ए और बी का मतलब इसका लॉसा निकालना है तो लॉसा में हम क्या करते हैं सभी संख्याओं को गुणा करते हैं लेकिन एक संख्या को एक ही बार याद है ना मौसा कहते मौसा जोड़ लगाते मौसम में हम जोड़ा लगाते कि दोनों के पहले तो लौसम निकाल देते तो आपका है ये दो का बार है दो तीन बार है तीन एक बार है पांच एक बार है
एमे दू चार बार, पांच एक बार, सात, इसमें सब संख्या गुणा कीजिए, इसमें से सब संख्या को गुणा कीजिए, लेकिन एक संख्या को एक ही बार जो बड़ा हो। तो देखिए तो दू के पावर तीन है, दू के पावर चार, दू तो भाई यो है यो है, क्या दोनों हम गुना करेंगे? नहीं, कोई एक ही वो संख्या यूज करें जो बड़ा हो, तो दू के पावर चार यूज कर लेते हैं। अब तीन यहाँ इक्के गो है, और तीन है कहीं पे मार्केट में कहीं पर नहीं है। पांच यहाँ एगो है, यहाँ एगो है, क्या दोनों पांच गुना करे? तनका देर शांत रहिए। हाँ, पांच यहाँ भी है, पांच क्या दोनों को उठा ले? एक संख्या को एक ही बार गुना करने का जो बड़ा हो, और दोनों बराबर को नहीं, वो ले लेते हैं। सात तो केला है मार्केट में, दो का बार है, हो चार बार, तीन एक बार, पांच एक बार, सात दो दुना चार, दुना आठ, दुना सोलह, तीन अड़तालीस, पंच तीन सौ सात, अच्छा अड़तालीस तीन सौ चालीस, आज चौबीस सत्ते, अरे भाई एक बार खोल रहे समझ, सोलह सौ अस्सी, चलिए कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, देखिए हमने क्या लिखाया। तो अच्छा, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। इसी तरह जो है मतलब इसका सब्जेक्टिव भी आएगा, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, इसका सब्जेक्टिव भी आएगा, और प्रत्येक चैप्टर का रोज रोज जिस टाइम में अभी आप देख रहे हैं उसी टाइम में रोज रोज आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई साहब फिर मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।